हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं करने वाली हूँ नो मिरर मेकअप चैलेंज। बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार वीडियो होने वाला है, वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले मॉइस्चराइज़र लगाऊंगी बिना मिरर में देखे। मॉइस्चराइज़र को लगाने में तो डिफ़िकल्टी नहीं होगी क्योंकि हम लोग बिना देखे अक्सर लगा लेते हैं। अच्छे से ब्लेंड कर लीजिएगा। मेकअप में सबसे ज़्यादा ब्लेंडिंग इम्पॉर्टेंट होती है। अगर आपने कोई भी प्रोडक्ट लगाया है तो उसको अच्छे से ब्लेंड करिए, तभी वो अपना अच्छा रिजल्ट देगा। मॉइस्चराइजर इज डन। नेक्स्ट बारी आती है ये फाउंडेशन की। फाउंडेशन लगाने में थोड़ी प्रॉब्लम होने वाली है हमको, क्योंकि हम लोग ये नहीं देख पाएंगे कि कितना ये ब्लेंड हो पाया है, कितना किकी हो रहा है। मैंने ये लिया है एंड मैं इसको लगाने वाली हूँ। देखते हैं हमारा मेकअप कैसा जाएगा, बियर्ड मेकअप होएगा कि ठीक ठाक होएगा। इसको पहले डॉट डॉट करके लगा लीजिएगा। एंड हाँ, हम लोग मिरर मेकअप को फेस पे तो लगा लेते हैं लेकिन अपना नेक भूल जाते हैं। अगर मेकअप करने के लिए दोनों पे करना पड़ता है क्योंकि हमारा नेक अलग दिखता है, हमारा नेक काला दिखेगा और हमारा फेस वाइट वाइट दिखेगा तो थोड़ा सा अजीब लगता है। हम लोग को ब्लेंड कर लेना है इसको अच्छे से। पता नहीं कैसा हो रहा होगा, मिरर में भी नहीं देख सकते हम लोग तो। नेक पे भी ब्लेंड कर लेंगे। एंड थोड़ा मैं और फाउंडेशन लगाने वाली हूँ, थोड़ा सा मुझे कम लग रहा है, ऐसा लगता है, फील हो रहा है क्योंकि मिरर में नहीं देख सकते हैं। एंड हाँ, हम लोग फाउंडेशन को बिना स्पॉन्ज के भी अच्छे तरीके से लगा सकते हैं। मैं स्पॉन्ज यूज़ ही नहीं करती हूँ, मैं फाउंडेशन को हमेशा ऐसे ही फिंगर्स की हेल्प से लगा लेती हूँ। फिंगर की हेल्प से हमको फास्ट वर्क लग जाता है ब्लेंडिंग प्रोसेस, वरना थोड़ा ज़्यादा टाइम भी जाता है। एंड उसके बाद बारी आती है पाउडर की, तो मैं पाउडर लिया है मैंने, इसको अपने लगा लूँगी। इसको बिना मिरर में देखे ब्लेंड भी करना है। थोड़ा सा नेक पे भी अप्लाई कर लेंगे। पाउडर वगैरह से लगाने से ना हमें थोड़ा पसीना कम आता है, फेस पे ऑयलीनेस रहती है वो थोड़ी कम हो जाती है, इसलिए पाउडर भी लगाना ज़रूरी है, खासकर की गर्मियों के टाइम पे। उसके बाद लगाने वाली हूँ मैं ये काजल। अब मैं बिना मिरर में देखे कैसे लगाऊँ। उसके बाद मैं मस्कारा लगाऊंगी। ब
ग्लू है उनके मस्कारा लिया है मैंने। तो मैं मस्कारा लगा रही हूँ। मस्कारा लगाने में दिक्कत हो रही है क्योंकि कहाँ लग रहा है, कितना लग रहा है पता ही नहीं चल रहा है। उसके बाद मैं लिपस्टिक लगाऊंगी। मैंने लिपस्टिक भी लगा ली है। अब उसके बाद मैं आई मेकअप के लिए मैं उसको काजल को हल्का सा स्मश करके ऊपर लगाऊंगी। एंड उसके बाद मैं शिमर पाउडर लगाऊंगी एज अ हाइलाइटर एंड आई विल मेक इट दिस टाइम। मेरा मेकअप कंप्लीट हो चुका है। अब मैं देखूंगी कि मैंने मेकअप किया है। तो ये मेरे पास मिरर रखा हुआ है, उसको मैं देखती हूँ। आई होप अच्छा है। ओह माय गॉड, थोड़ा सा खराब हुआ है बट थोड़ा बहुत है, काम चलाओ तो कह सकते हैं इसको। थोड़ा सा मैं आप लोग को दिखाती हूँ लिपस्टिक वगैरह मैंने कैसे किया कैमरे में जूम करके। तो ये थोड़ा सा इस साइड ही छूट गया है एंड बाकी सब चीज़ें एकदम परफेक्ट हैं। हियर इज माय फाइनल लुक। वैसे मैं खुद से ही बहुत इंप्रेस हूँ, मुझे लगा था कि काफ़ी ज़्यादा वियर्ड होने वाला है बट ये अच्छा लगा है। आप इस वीडियो को कितना रेट देना चाहेंगे, मतलब कि मेरे मेकअप को कितना रेट देना चाहेंगे प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा अगर आप मुझे बताएंगे कि मैंने क्या गलती की है क्या नहीं की है। और मेरी वीडियो पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक भी कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा नेक्स्ट वीडियो आपको कौन सा देखना है और इस वीडियो में क्या कमी लगी है मेरे मेकअप को देखे। बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, स्टे हेल्दी।